देश में महामारी से बिगड़ते हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर केंद्र से मांगा जवाब। सरकार आज पेश करेगी प्लान। चार कंटेनर लेकर राजधानी पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। दिल्ली पहुंची करीब 17 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। दूर होगी किल्लत। 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं के टीकाकरण के लिए आज से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। युवाओं को कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य मुसीबत में भी आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे किसान। अन्नदाताओं ने कहा विटामिन सी की गोलियां काढ़ा के दम पर अन्नदाता जारी रखेंगे संघर्ष। पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्शन मोड में सीएम नीतीश कुमार। अधिकारियों से कहा हर हाल में होनी चाहिए ऑक्सीजन की आपूर्ति। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की मांग को लेकर गहलोत सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री आज जाएंगे दिल्ली। जान गंवाने वाले लोगों की क्रिया का खर्च उठाएगी सरकार। महामारी को देखते हुए सख्त हुई कर्नाटक सरकार। आज से 14 दिनों के लिए पूर्णबंदी लागू। 18 से 44 साल के लोगों को लगेगी फ्री वैक्सीन। उत्तराखंड में कुंभ का आखिरी शाही स्नान। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। महामारी को देखते हुए बेहद कम संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला। जीत की राह पर लौटने के इरादे से उतरेगी कोहली की ब्रिगेड। देश के कई हिस्सों में 30 अप्रैल तक रहेगा नमी भरा मौसम। मौसम विभाग का अनुमान तेलंगाना केरल और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में चलेगी तेज रफ्तार से हवाएं। महामारी के संकट के बीच पीएम मोदी जो बाइडेन के बीच फोन पर करीब 35 मिनट हुई बात। दूसरी लहर से निपटने के प्रयासों पर हुई चर्चा। मंगल पर नासा के इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की तीसरी सफल उड़ान। इस बार 164 फीट की दूरी तय की। पूरे अभियान का वीडियो क्लिप आने वाले दिनों में किया जाएगा जारी। चीन को जबरदस्त झटका देने जा रहा ऑस्ट्रेलिया। बीआरआई के बाद अब डार्विन पोर्ट की लीज करेगा रद्द। डार्विन बंदरगाह को चीन के चंगुल से निकालने का प्लान बना रही सरकार। फजीहत करवाने के बाद कोरोना संकट में भारत की मदद करने को तैयार हुआ अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्वीट करके दिया मदद का भरोसा। भारत में अमेरिका के खिलाफ बना माहौल। और मुश्किल दौर में ब्रिटेन ने की भारत की मदद। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप पहुंची भारत। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी बढ़त के साथ खुले बाजार। सेंसेक्स 37 और निफ्टी 8 अंक ऊपर खुले। स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर आरबीआई की चेतावनी काबू नहीं हुई। महामारी तो देश में बढ़ सकती है महंगाई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई मार्च में बढ़कर 5.5% हो गई। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को दिया आदेश दोनों कंपनियां करें वैक्सीन की कीमत को कम। सरकार ने मुनाफाखोरी पर जताई आपत्ति। देश के सबसे रईस बैंकर उदय कोटक को छोड़नी पड़ सकती है कुर्सी। कोई व्यक्ति 15 साल से अधिक समय तक किसी बैंक का सीईओ नहीं रह सकता। दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी और 7 समर स्पेशल। दिल्ली से मुजफ्फरपुर सहरसा सीतामढ़ी तथा कटिहार के लिए समर स्पेशल। रेल यात्रियों को होगी आसानी।